सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सबका यूट्यूब के एक छोटे से चैनल कुशम सराव पे स्वागत है। अभी बस 5 बज गए एंड 8 बजे फ्लाइट है। आप पीछे देख सकते हैं बैग वगैरह पैक हो गए हैं, बस अभी एयरपोर्ट जाते हैं एंड वहाँ पे मिलते हैं। अभी बस मैं अमृतसर एयरपोर्ट आ गया। आई एम ट्रैवलिंग विद भाई बलकार सिंह एंड संजीत मेरे को ड्रॉप करने आ गया था। थैंक यू संजीत एंड पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वीडियो में, एंड तक बने रहना कि कैसे चेक इन होता है, क्या क्या कुछ इंटरनेशनल कह रहे थे, इमिग्रेशन क्या चीज़ है, सब कुछ चीज़ है। फिर बस बैग चेक इन हो रहा है एंड यहाँ पे सब कुछ एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वीज़ा है, पासपोर्ट और टिकट पे सारा कुछ नेम वगैरह सही है एंड बैगेज सबमिट हो जाते हैं यहाँ पे चेक इन काउंटर में। आप देख सकते हैं पीछे बस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन सारा कुछ हो गया है, बिल्कुल सही था। इमिग्रेशन कोई प्रॉब्लम ही कुछ नहीं आई। इमिग्रेशन वाला तो इतना चल था, मतलब माइक वगैरह देख कर कहता शार्प यूट्यूब ब्रो, अच्छा दुबई घूमने जा रहे हो, अच्छा दुबई में ना आप वो मतलब वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेना और सभी लोगों को दिखाना, मतलब काफ़ी फनी था। एंड पासपोर्ट पर मेरी फर्स्ट स्टैंप लगी, बड़ा यार फीलिंग हुई, मतलब 6 साल हो गए थे पासपोर्ट पर कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगी थी, अभी 6 साल बाद पासपोर्ट पर कोई एक स्टैंप लगी है, काफ़ी सही फील हो रहा है। एज अ यूट्यूबर सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यूट्यूबर मैं कैरी कर रहा हूँ लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ एंड चार्जर पावर बैंक सारा कुछ कैरी कर रहा हूँ, सो एक एक चीज़ निकाल के वो बास्केट में रखनी होती है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा प्रोसेस हो जाता है, मतलब काफ़ी कुछ कैरी कर रहे हैं, बाकी पूरा स्मूथ होता है। वेटिंग रूम काफ़ी सही बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा सोफे लगे हुए हैं। यार रेलवे स्टेशन ऐसे क्यों नहीं है, रेलवे स्टेशन भी ऐसे होने चाहिए। टिकट हमने goib.com से करवाई थी, वहाँ पर हमें 23,000 की टिकट पड़ी है, आम से थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई बिकॉज ना कि हमने टाइम पे करवाई थी। अगर थोड़ा सा पहले करवाती आपको 18,000 वगैरह की पड़ सकते टिकट। अगर आपने सबसे सस्ती टिकट करवानी है आप पता क्या कर सकते हो, एक है skyscanner.com, एक है vigo.com, वो दोनों साइट खोलोगे आप परोगे यहाँ से यहाँ तक जाना है, वहाँ से आप देख सकते हो, मतलब वो पता क्या करेगा कि अलग अलग साइट दिखा देगा, यहाँ इस साइड पर ये फ्लाइट इतने की पै रही है, साइड से ये फ्लाइट इतने की पै रही है, वो आप वो साइड से करवा सकते हो, यहाँ से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स पै रही है, आप इससे काफ़ी पैसे बचा सकते हो। मैंने वैसे था, मेरे को goib.com से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट मिल रही। आप देख सकते हैं अमृतसर का एयरपोर्ट कितना सुंदर है, मतलब मेरे को तो दिल्ली एयरपोर्ट से भी काफ़ी सुंदर लगा। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट है। कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स पे आपको जो एयरपोर्ट का लॉन्च होता है उसका एक्सेस फ्री मिलता है, मतलब उसमें खाना वगैरह होता है एंड काफ़ी और फैसिलिटीज़ होती हैं, आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हो। वो आपको वेबसाइट अपने कार्ड का नेम भर के गूगल पे चेक कर सकते हो कि मेरे को एक्सेस मिला है कि नहीं मिला, मेरे कार्ड पे तो है नहीं। एयरपोर्ट पे पानी पीने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देने पानी आ रही थी। हाँ आंदा है, दसो कितों दब देना। हाँ देखो दुबई जाने के लिए कोई कोविड रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी, पहले कैसे था कि 3-3 RT-PCR टेस्ट करवाने पड़ते थे, अब क्या है कि डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो हमारा है, सो कोविड टेस्ट की कोई नीड नहीं है। अगर आपने डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या सिस्टम है कि आपको 72 आवर्स पहले RT-PCR कोविड टेस्ट चाहिए। ये देखो यार, मतलब ना अमृतसर की सारी हिस्टोरिकल पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई है नीचे लेकर, ये किस चीज़ की है, मतलब इन्होंने ब्लैक एंड वाइट करके साइड पे वाइट बैकग्राउंड लगा के काफ़ी फ्रेम करके ऊपर लैंप लगा कर काफ़ी सुंदर लगाई हुई है। मूड है कि घर पे यार ऐसे लैंप लगा कर और फ्रेम करके एक मेमोरी रूम बनाया जाए, यहाँ पे जो हमारी पुरानी पिक्चर्स हैं सभी इकट्ठी रखी जाएँ, जब बंदा ना उस रूम में एंटर करे मतलब अपनी सभी मेमरीज को रिकॉल कर सके, मतलब कितना अच्छा फील होगा यार। मेरे को काफ़ी टाइम से मूड है कि ऐसा किया जाए। अभी फाइनली दुबई पहुंच गए, 3 घंटे अबाउट 50 मिनट की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट थोड़ी मेरे को ठीक ठाक ही लगी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, टर्बुलेंस काफ़ी थी, मतलब लाइक ऐसे था कि मतलब कोई मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ऐसे, तक पटरी में पूरा सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा लाइक
ऐसे था, बाकी अच्छा था। फूड फूड उन्होंने दिया, वैसे पता नहीं टिकट में फूड इंक्लूडेड नहीं था, बट उन्होंने फूड दे दिया, चलो अच्छा है। इमिग्रेशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी था। पहले तो मेरे ऐसे था कि मतलब डिजिटल ही स्कैन पासपोर्ट स्कैन होके होता है, बट वो टूरिस्ट वीज़े के लिए नहीं है, वो हमारा जो विजिट वीज़ा होता है उनके लिए है। टूरिस्ट वीज़े के लिए प्रॉपर इमिग्रेशन एंड स्टैम्प वगैरह करते हैं। इमिग्रेशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था, बिल्कुल ईजिली हो गया। कस्टम प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब बिल्कुल लाइक ऐसे लगते हैं मतलब 10 मिनट में सारा प्रोसेस हो गया। अभी बस वेट कर रहा हूँ बैगेज के लिए, बैगेज आने वाला है। आपको पता है दुबई में जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं उनको फ्री सिम मिलता है, ये देखो इसमें फ्री सिम एंड फ्री 1 GB मिलती है। हम ये इमिग्रेशन से अपना पासपोर्ट शो करके कलेक्ट कर सकते हैं, फ्री का 1000 रुपीज़ बच गए लगभग 49 दिरहम, जो मतलब नहीं तो सिम लेने के लिए पे करने थे। अगर मोस्टली तो वाईफाई वगैरह होता है, गूगल मैप्स वगैरह मेट्रो वगैरह देखने के लिए ही हम सिम वगैरह परचेज करते हैं, वो बेनिफिट हो गया। अभी बस फाइनली होटल पहुंच गया, टैक्सी से पहुंचे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये घटना होगी मतलब एयरपोर्ट से होटल तक आते हुए। मैं होटल में अंदर आके चेक इन करके बताता हूँ, मतलब अभी तो काफ़ी ज़्यादा थक गए। पीछे होटल है यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है होटल, बाकी रेटिंग के हिसाब से लग रहा है, बाकी देखते हैं अंदर जाके कैसे होगा होटल। आप ये देख सकते हैं ये प्रीमियम इन है, ये अलजाफिद है, शायद अलजाफिद में है, साथ में ही सुपर मार्केट है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन मिल गई। बाकी देखते हैं आगे। रूम टूर देता हूँ बाद में, तो गंदा ही हो जाएगा रूम, पहले ही दिखा देता हूँ। ये आ गया, काफ़ी सुंदर रूम है। ये कॉफ़ी और पानी की बॉटल्स तो दी हैं, काफ़ी कम होटल्स में पानी की बॉटल देते हैं। ये बिग काफ़ी बड़ी स्क्रीन आ गई, एंड ये चेयर्स बैठने के लिए, ये दो ट्विन्स बेड आ गए, एंड अगर इधर देखते हैं अगर क्या चीज़ है, अगर आउटडोर व्यू किस साइड इधर, चलो अभी तो व्यू कुछ पता नहीं चला, कल देखते हैं क्या होगा। एंड इधर इधर वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम इसका कैसे है, भी लाइट इसकी ये रही। ओ भाई वॉशरूम भी अच्छा है, काफ़ी ठीक है वॉशरूम, एंड शावर एरिया लग बनाया हुआ है, काफ़ी छोटा वैसे वॉशरूम पर क्लीननेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये होटल प्रीमियम इन अलजाफद दुबई है। ये होटल मेरे को 2600 पर नाइट का पड़ा था, ये मैंने मेक माई ट्रिप से बुक करवाया था, एंड ये मैं सभी 5 नाइट्स के लिए बुक करवा लिया था। आज ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हो गई, मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। हम उतरे एयरपोर्ट से, वहाँ से देखा, वहाँ से टर्मिनल 3 पे उतरे थे, वहाँ पे उसके पास 1.5 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन है। हमने सोचा चलो बस पकड़ लेते हैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के लिए, बट बाद में पता लगा कि बस के लिए भी हमें मेट्रो कार्ड चाहिए, वो मेट्रो स्टेशन पे ही बनता है, वहाँ पे बन नहीं रहा था। चलो हमने सोचा चलो कैश है हमारे पास, चलो टैक्सी ले लेते हैं। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे किसी ने बताया यार अगर आपने टैक्सी लेनी है तो एयरपोर्ट के अंदर से मत लेना, एयरपोर्ट के बाहर से ले लेना, जो एयरपोर्ट पे बाहर रोड है, क्योंकि कहते एयरपोर्ट के अंदर टैक्सियाँ वो थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एयरपोर्ट के बाहर वाली रोड पे टैक्सी लें। सो बाहर हमने टैक्सी ली, एंड वो भाड़ा भी टैक्सी का काफ़ी कम बता रहा था, हमने चलो ले ली टैक्सी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलकर पुलिस ने किसी ने रोक लिया, हम डर गए यार पुलिस ने रोका क्यों है, चलो रोक लिया वो, मतलब हमसे पासपोर्ट वगैरह देखी, हमने पासपोर्ट दिखा दिया, हमको आप साइड पे हो जाओ, एंड टैक्सी वाले की काफ़ी इंटरोगेशन करने लग गया। हम डर गए, पता नहीं यार क्या चीज़ है, कोई इनलीगल तो नहीं है। बाकी बाद में पता चला जिस टैक्सी में बैठे थे हम वो इनलीगल टैक्सी थी, मतलब वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज टैक्सी नहीं थी, वो किसी वो पर्सनल गाड़ी कोई बंदा अपने को एज ए टैक्सी कन्वर्ट करके चला रहा था, जो कि इनलीगल है दुबई में। एक बार तो हम पूरा डर गए थे यार, बाहर से भी हम सुन के आते हैं कि दुबई में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एंड एयरपोर्ट के जस्ट लैंडिंग के बाद आपके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाए, आप सोच के देखो कैसा ही होगा। पुलिस वाले ने फिर एक और टैक्सी मंगवाई जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज थी, पुलिस वाले ने हमें उसमें बिठाया एंड कहा आप उस टैक्सी में जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जो इनलीगल टैक्सी चला रहा था उसको भाई 50,000 दिरहम का फाइन डाल दिया, यानी कि 10 लाख रुपये इंडियन करेंसी में हो गए। अभी बस नीचे आऊँ अडेप्टर लेने के लिए और सुपर मार्केट में थोड़ा सा खाने के लिए सामान ले लेते हैं, लाइक स्नैक्स वगैरह, अभी इतनी भूख तो है नहीं, थोड़ी सी भूख है। चलो ना जो अडेप्टर होता है कन्वर्टर,
इंडियन को पिन को दुबई में जो पिन होता है चार्जिंग स्पॉट वाला, वो दूसरा होता है, वो लेकर साथ लेकर आना, नहीं तो यहाँ पे चार्जिंग की मसला आ जाएगा। सो अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ वो पिन, एंड ये सुपर मार्केट में तो मिला नहीं, आगे कहते एक हो सुपर मार्केट है वहाँ पे जाके पता करता हूँ वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। एक दो ग्रोसरी की शॉपिंग कर लेता है, ले चिप्स वगैरह। दुबई की सुपर मार्केट ही है, प्राइस कंपेयर करते हैं कितना का महंगा दुबई है। और ये स्निकर रही लगभग 2.75 दिरहम की है, लगभग इंडियन रुपीस 60 रुपीज़ हो गए, हमारे शायद 40 रुपीज़ की है। एंड ये डोरिटोज आ गए, यहाँ ये बिस्किट वगैरह पड़े हैं, बाकी यार प्राइस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पता नहीं। चलो मैं जो कुछ खरीदूंगा सुपर मार्केट से आपको बता दूंगा क्या क्या प्राइस मेरे को क्या पड़ा एंड इंडियन करेंसी में क्या है, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो अडेप्टर फाइंड कर रहा हूँ जो सूटेबल है, सबसे जो सस्ता होगा वही उठाऊँगा, ज़्यादा पैसा क्यों वेस्ट करना, हफ्ते के लिए तो ही चाहिए। पीनट्स के पैकेट पड़े हैं, ये हो गया 500 ग्राम हो गए 32 दिरहम्स के, जाने की 600-700 रुपये हो गए। अभी मैं एक तो अडेप्टर लेके आऊँ जो कन्वर्टर है, ये पड़ गया मेरे को अबाउट 6 दिरहम का पड़ गया, जाने की इंडिया के 120 रुपये हो गए। सिंपल है यार, 20 से मल्टीप्लाई कर लो करेंसी कन्वर्शन करने। अभी तो लेके आऊँ, ये मेरे को पड़ गए 10 दिरहम के, अबाउट इंडियन के हो गए 10 दिरहम मतलब 200 रुपये, 200 रुपये के पड़ गए। एंड एक ये लेके आऊँ लेज मैट, ये मेरे को पड़ गए जाने की 160 रुपीज़ के पड़ गई है, इंडिया से तो काफ़ी महंगे हैं ये। अभी आप देख सकते हैं हम बस एडिटिंग वगैरह करते हैं एंड काम फिनिश करते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन दबा देना।